तो वीडियो के थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं क्राफ्टर अदिति से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सोची कि मैं खुद भी ये ट्राई कर लूँ। तो यहाँ पर मैं ये हमारे कपड़ों में जो प्राइस टैग आता है उसके मदद से मैं ये सर्कल कट कर दी हूँ, और एक पुराने क्लॉथ की मदद से मैं अब इसे अच्छे से ग्लू की मदद से पेस्ट कर दूँगी। मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ, आप चाहो तो फेविकॉल यूज़ कर सकते हो। और हमेशा याद रहे कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हो उसे एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बनाएं, क्योंकि ग्लू से हमारे हाथों में कुछ भी चिपक सकता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही पुरानी रिंग मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इसे अच्छे से चिपका दूँगी ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ। मेरे पास कोई ग्लू गन नहीं था इसे बनाते वक्त, अभी तो आ गया है लेकिन उस वक्त नहीं था, इसलिए मैं इसे भी फैब्रिक ग्लू से ही यूज़ चिपका रही हूँ। और इसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसके बीच में भी क्लॉथ ऐड कर दी, और यहाँ पर ये छोटे छोटे मिरर से मैं इसे अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। और कुछ इसी तरीके से हमें हमारी ये हल्दी के लिए जो रिंग हम बना रहे हैं इसे एकदम अच्छे से रेडी कर देना है। और फाइनली हमारी रिंग एकदम रेडी हो गई और अच्छे से रेडी हो गई, अब हम इसे पहनने के लिए एकदम तैयार है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रिंग कैसी है। ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्रिएटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। Please like this video if you like the video.